हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो मैं यही दिखा रही थी आपको, पूरी रात बारिश हुई और सुबह सुबह बिल्कुल बढ़िया वाली झड़ी लगी हुई थी। पूरा दिन बारिश होगी, लग रहा है कल की तरह। यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 ब्रेड सेकी थी और चाय। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाऊंगी तोरी की सब्ज़ी। है हमारी सीज़न की पहली तोरी होगी और तोरी है धारियों वाली। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, जो कड़वी भी निकल जाती है कभी कभार। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है अपनी, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। ये मैंने तोरी को अच्छे से छील के वॉश करके काट लिया है और ये तोरी बहुत टेस्टी बनती है। देखते हैं सीज़न की ये पहली तोरी है तो कैसी बनेगी। तो मैं इसको बनाऊंगी सरसों के तेल में। मैंने यहाँ पर 1 करछी तेल ले लिया था, 1 से भी मतलब कमी था। और यहाँ पर मैंने टमाटर और लहसुन और प्याज को अच्छे से कूट लिया था मामजिस्ते में। और यहाँ पर इसने धनिया भी दिया था सब्ज़ी वाले भैया ने, तो ये काफ़ी फ्रेश फ्रेश लग रहा था धनिया, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बट मैं इसको तोरी में नहीं, मैं इसको किसी और सब्ज़ी जो बनाऊँगी उसमें डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जीरा डाल दिया है। जीरे को मैं अच्छे से भुनने दूँगी। सबका सब्ज़ी बनाने का तरीका ना सेम होता है, बस थोड़ा सा हाथ की बात होती है और बनाने का थोड़ा सा तरीका, नहीं तो स्टेप सारे सेम ही होते हैं सब कुछ जो बनाते हैं हम सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला बनाया था लहसुन और प्याज का, वो मैंने डाल दिया इसमें। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया था बड़ा और 6-7 लहसुन की कलियाँ थी। तो इसको अच्छे से डाल के मैं यहाँ पे लो फ्लेम पे इनको अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डालूंगी ये टमाटर। ये 1 बड़ा टमाटर था, वो मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको भी मैं यहाँ पर मिक्स कर दूंगी। और ये अच्छे से गल जाए इसके लिए मैं यहाँ पर नमक डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें, ताकि ये जल्दी से गल जाए। और तोरी की सब्ज़ी होती है जैसे भिंडी, तोरी, ये सारी सब्ज़ियाँ ना भाप में ही पक जाती हैं, मतलब बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। बस आपको मसाला बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने ये डाल दी थी तोरी। अभी मैंने इसमें कोई भी नमक मिर्च मसाले कुछ नहीं मिलाया है, मैंने इसमें यह डाल दिया तोरी। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और गैस की जो फ्लेम है ना वो लो ही है अभी, तो मैंने इसको काफ़ी देर ऐसे ही भूना था। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। वीडियो ना फ्रेंड्स थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड है, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी ये सब डालू, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है। तो अब जैसे मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, इसको मैं अच्छे से अब मिक्स कर दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ना गर्म मसाला भी डाला था बाद में, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। क्योंकि थोड़ा सा ना मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया था। और मैं इसको भूनने दूंगी अभी। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है और देखो तोरी ने अपने आप ही कितना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। और अब मैंने इसमें डाला था ये थोड़ा सा किचन किंग मसाला। ये सब्ज़ी में डाल देते हैं ना तो सब्ज़ी का स्वाद थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मैं डाल दूँगी इसमें पानी अब अपने हिसाब से, हम 2 ही जने हैं तो उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा पानी नहीं करना है इस सब्ज़ी में, तो थोड़ा ही पानी डालूँगी मैं। और बस इतना ही पानी डाल के मैं इसे ढक ढक के पकाऊंगी। अब देखो इसमें बॉईल आ गया है और बस ये अब मुश्किल से 5 मिनट लेगी सब्ज़ी और मेरी सब्ज़ी बन करके हो जाएगी तैयार। यहाँ पर मैंने ले लिया है अपनी परात में आटा। आटा भी साथ के साथ मैं लगा लूँगी, क्योंकि बस मैं काम अपना फिनिश ही कर रही हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी और खाना वगैरह बन जाता है ना तो आधा काम हमारा हो जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मशीन लगाऊँगी कपड़ों की। सबसे पहले यहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी तो आटा गूंथ लूँगी। सो फ्रेंड्स, आटा गूंद करके तैयार हो गया था। और मैं आटा ना गूंद के थोड़ी देर रख लेती हूँ, रफली आटा गूंद के रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। उसको फिर बाद में हम थोड़ा सा और गूंद लेते हैं ना तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ बेल लूँगी और मैं 8 ही या 9 ही रोटी बनाती हूँ गिनती से, क्योंकि फिर हमारी जो रोटी है वो बची रहती है और फिर बासी खाने में अच्छी नहीं होती। तो मैं ताज़ी बनाती हूँ और ताज़ी हम लोग खाते हैं। तो जियांस के पापा 4 रोटी और मैं भी 2-3 रोटी, बस इतना ही। तो मैं 1-1.5 रोटी फालतू बनाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं फालतू रोटियाँ नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर देखो फूली रोटियाँ मेरी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। और बस सारी रोटियाँ बना लूँगी मैं अच्छे से और उसके बाद खाना खाएँगे। खाना भी मैं आपको दिखाऊँगी और आपको ना मेरे शॉर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं,
तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। और ऐसे ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरी वीडियोज़ को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और ये देखो मेरी दूसरी रोटी भी यहाँ पर तैयार है। फ्रेंड्स यहाँ पर खाना बनके तैयार हो गया था। मैंने आपके साथ ना रील शेयर की थी, तो मैंने यहाँ पर अपनी थाली लगाई थी। तो ये देखो, आ जाओ आप भी खाना खा लो फ्रेंड्स।